ये चौक है, ये चौक देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो हमने सिलाई की है, ये यहाँ पर हमने सिलाई की है। अब इतना यहाँ से फोल्डिंग में जा रहा है, जितना हमने लिया है उतना ही यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा ऐसा फोल्ड करना है, ये इस तरह से। ये अब हम इसको यहाँ से ऐसा पूरा फोल्ड करके पूरी सिलाई लगाएंगे। तो जब भी स्टार्ट करना है तो इस कॉर्नर से करना है स्टार्ट। तो ये देखिए आप, ये हमारा यहाँ पर मार्किंग भी लगी हुई है। ये इसको पूरा हम यहाँ से फोल्ड करके और ऐसा लेंगे इस तरह से। ये अगर दिख रहा हो तो ये यहाँ पर ये यहाँ से हमने फोल्ड करते हुए लाना है पूरी सिलाई चलाते हुए, और ये इस पार्ट को ऐसा ही यहाँ से ऐसा खींच कर और फिर इस वाली सिलाई को ऐसा लेकर फिर हमको ऐसा घुमाना है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लेकर आए है ना। उसके बाद अब हमको इस सिलाई को इधर लाना है और इसको पूरा हम अंदर की तरफ इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, यहाँ से अच्छे से इसको बिल्कुल बराबर इक्वल इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम सिलाई को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से इसको पूरा इक्वल कर लेना है हमने, और यहाँ से सिलाई को ले जाकर यहाँ पर सुई को रोकना है, सुई अंदर रहेगी, और फिर कपड़े को पूरा इधर साइड टर्न करना है इस तरह से। थोड़ा सा हिल रहा होगा क्योंकि मैं हाथ में लेकर आपको बिल्कुल पास से बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैसा यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बन गया है ना यहाँ पर। अब इस वाली पूरी मार्जिन को ऐसा लेकर हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से, है ना। ये ऐसे लगाते जाएंगे, देखिए जितनी भी हमारी फोल्डिंग है उतनी ही फोल्ड इधर लेना है हमको। मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ इसलिए अच्छे से आपको क्लियरली। आई होप कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, स्पेशली सना एंड नोरीन, आपके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से चौक बनाना सीख जाएं। मैं एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से यहाँ पर शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपकी किस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा बना लिया है। अभी हमने एक स्टिच की है, जो दूसरी वाली होगी वो बिल्कुल इसकी एज पर से चलती हुई यहाँ जाएगी और यहाँ से फिर इधर बिल्कुल रिटर्न आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको ऐसा रख दिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ी मेरी मशीन आज ख़राब चल रही है इसलिए सिलाई थोड़ी सी ऐसी दे रही है। वो इस तरह से आपको बनाना है पूरा फ्रेड। अब जब हम इसके ऊपर दूसरी स्टिच करेंगे, उसके ऊपर आयरन कर देंगे, तो ये बिल्कुल हमको एकदम फिनिशिंग से दिखाई देगा। अब दूसरी स्टिच कैसे करना है वो अब आप देखिए आगे। हाँ, यहाँ पर हमने जो कुर्ती की जो बॉटम है उसको भी यहाँ पर पूरा हमने यहाँ तक फोल्ड कर लिया है। अब हम इस कॉर्नर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, तो पूरी इधर से ले जाते हुए हम, और फिर इस वाले कॉर्नर से
और फिर पूरी लास्ट उस वाले कॉर्नर तक ले जाएंगे। खत्म हो गया है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक हमने चला दी है। अब इसके बाद टर्न करेंगे। यहाँ पर किस तरह से चलाना है सिलाई, ये चलाते हुए लाना है और यहाँ पर सुई अंदर और कपड़े को इधर की तरफ फिर पूरा टर्न कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल इसकी इस पर हमको सिलाई चलानी है। अब इसी से रिटर्न वापस सिलाई हम नीचे बॉटम में लेकर आ रहे हैं। अब इसको इधर रिटर्न घुमाएंगे और यहाँ पर ये देखिए दूसरे वाले कॉर्नर पे भी हम यहाँ से सिलाई लेकर हमने बिल्कुल कहाँ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ की है। हमने उसे इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिनिश होती है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर भी लॉक कर लेंगे। देख सकते हैं कैसा यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स बन गया है ये इस तरह से पूरा, और ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे यहाँ पर भी इधर भी सिलाई लग गई। हमने इस वाले कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया है और ख़त्म कहाँ किया हमने लाके इस वाले कॉर्नर तक। आपने देखा है कि मैंने बिल्कुल भी इसके बाद मशीन को रोका नहीं है ना सिलाई कट की है। बीच में से धागे वगैरह काट देंगे, आयरन कर लेंगे जिससे हमारी फिनिशिंग एकदम अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे चौक बनकर रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से यहाँ पर हमारे फिनिशिंग से देखिए चौक बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर सिलाई लगकर यहाँ पर हमारे चौक बनकर रेडी हैं। ये भी देख सकते हैं आप, और पीछे से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हमारे चौक बिल्कुल अच्छे से हमारे दोनों साइड के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर यहाँ पर देखिए रेडी हुए हैं। ये देखिए आप बिल्कुल अच्छे बने हैं। इस तरह से आप भी कोशिश करिए और आप भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपसे भी ये बहुत अच्छे से यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ।